मित्रों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जहां तक बात करें मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की, मित्रों 30 अप्रैल को सेवाएं समाप्त हो रही हैं, यानी महापंचायत का कुछ भी असर अतिथि शिक्षकों पर नहीं हुआ है। जो महापंचायत हुई थी दोस्तों, महापंचायत का मतलब क्या है, उसमें जो घोषणाएं हुई थी आपने सोचा होगा, 12 माह का सेवा काल, 50% आरक्षण, इसको लेकर अतिथि शिक्षक अभी तक बैठे थे कि आदेश आज नहीं तो कल आ जाएगा, इस महीने नहीं तो अगले महीने आ जाएगा। लेकिन आदेश जारी ना होने के कारण अब अतिथि शिक्षकों को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल जाना पड़ा और वहां पर ज्ञापन दिया है मध्य प्रदेश के तमाम अतिथि शिक्षकों का। कहना है कि सर बेरोजगार हो रहे हैं 30 अप्रैल को, और 30 अप्रैल एक बेरोजगार दिवस के रूप में हम मनाएंगे। आखिरकार हमने इतना काम किया है, क्या इस वर्ष हमको मई और जून का मानदेय मिलना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, जब 10 महीने काम किया है तो 2 महीने का मानदेय भी सरकार को देना ही चाहिए, ये बिल्कुल सच है। लोकसभा चुनाव आ रहा है दोस्तों, अतिथि शिक्षक लगातार परेशान है, मध्य प्रदेश का तमाम वो वर्ग जो बेचारा कई सालों से काम करते करते थक चुका है, और उसको इस वर्ष बड़ी आशा है कि अब हमारा नियमितीकरण होगा। लेकिन बड़ी अपडेट आपको बताना चाहता हूं, स्क्रीन पर देखिएगा मित्रों, और तमाम अतिथि शिक्षक जब कल 30 अप्रैल को सेवा समाप्त के बारे में लिखा आ गया, तो उनका कहना है कि अब हमारी सेवाएं समाप्त हो रही हैं, हमको भी कुछ करना चाहिए, आखिरकार हमारी सेवाएं निरंतर चलती रहें। दोस्तों पक्का नहीं इरादा तो फिर इस वतन का क्या होगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों लगातार अतिथि शिक्षक वर्ग प्रयास करता हुआ, ज्ञापन देता हुआ, दोस्तों मंत्री विधायक सभी को ज्ञापन दिए, और आखिरकार महापंचायत करवा ली, लेकिन महापंचायत के आदेश भी जारी ना होने के कारण अब पूर्ण रूप से निराश बैठा है। तो यहां पर लोक शिक्षण संचालनालय आप देखें, लोक शिक्षण संचालनालय के नए आदेश से अतिथि शिक्षक नाराज, अनुबंध को यथावत रखने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। लोक शिक्षण संचालनालय के नए आदेश से अतिथि शिक्षकों में नाराजगी है। आज शुक्रवार को अतिथि शिक्षकों ने 12 महीने के अनुबंध को यथावत रखने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। एक दिन पहले लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अतिथि शिक्षकों को नए सत्र से रखने के संबंध में जो आदेश जारी किया है, उसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय के नए आदेश से अतिथि शिक्षकों में काफी नाराजगी है, और उन्होंने 12 महीने के अनुबंध को यथावत रखने की मांग को लेकर DPI में ज्ञापन दिया है। एक दिन पहले लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अतिथि शिक्षकों को नए सत्र से ना रखने के संबंध में जो आदेश जारी किया है, उसको लेकर अतिथि शिक्षकों में नाराजगी है। आज अतिथि शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अतिथि शिक्षक पंचायत में अतिथि शिक्षकों को ना हटाए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इन सब के बाद भी संचालनालय के उन आदेशों को दरकिनार करके अतिथि शिक्षक को हटा रही है। उन्होंने 12 महीने के अनुबंध को यथावत रखने की मांग की है। अतिथि शिक्षक पंकज भार्गव ने बताया कि प्रदेश के 72,000 अतिथि शिक्षक का परिवार चल रहा है, अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाए, ये सभी के आशाएं रहती हैं, सभी का प्रयास रहता है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी सेवाएं निरंतर जारी रहना चाहिए दोस्तों। लेकिन DPI फिर भगाने में लगा हुआ है और हटाने के आदेश जारी कर रहा है मित्रों। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मेरे साथ आप सभी लोग मांग करें कि हमको मई जून का मानदेय भी मिलना चाहिए। और ऐसे कितने भाई हैं जो यह सोच रहे हैं कि मई जून का मानदेय मिले, तो आप लोग भी मेरे साथ आवाज उठाएं मित्रों। हर एक अतिथि शिक्षक की कमेंट्स होना चाहिए कि हमको मई जून का मानदेय मिलना चाहिए। सभी आप फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से मांग कर सकते हैं मित्रों, लगातार हमने मांग की है, लेकिन अब अगर हम हट गए तो हमारा ज्वाइन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगले सत्र 24-25 में। तो सबसे पहले जो अतिथि शिक्षक लगे हुए हैं वो तो लगे रहे दोस्तों, बाकी रिक्त पदों पर जो भी सरकार नई ड्रीम कंडीशन एक्सेप्ट करना चाहती है उसको करे। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है, क्या निरंतर सेवाएं चलनी चाहिए मित्रों?
वास्तव में चलनी चाहिए। और तमाम जो अध्यापक हैं, स्कूलों के प्रभारी हैं, उनका कहना भी है कि आप लोगों को हटाया ना जाए, और हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है स्कूल में जब पूरे पद भरे हुए होते हैं तो अच्छे से पढ़ाई होती है, बच्चों की देखभाल और बच्चों के लिए सारे कोर्सेस अच्छे से होते हैं। लेकिन सरकार हटाने का काम कर रही है मित्रों। आज दूसरा अतिथि शिक्षक, कल तीसरा अतिथि शिक्षक, परसों चौथा अतिथि शिक्षक, लगातार अतिथि शिक्षक बदलते जा रहे हैं मित्रों। आपका क्या कहना है आप जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।